हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं फाइल परमिशंस इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम फाइल परमिशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि फाइल परमिशंस क्या होती है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका यूज क्या है, कैसे उनको अप्लाई किया जाता है, यह सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल परमिशंस होती क्या है, उनका यूज क्या है। तो लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें फाइल सिस्टम लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फाइल परमिशंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लिनक्स मशीन है जिसमें एक डायरेक्टरी है एबीसी और उसमें दो यूजर हैं A1 और A2। अब आप उन यूजर्स को इस तरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि A1 एबीसी डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए, उसका कंटेंट मॉडिफाई कर सके, राइट कर सके, लेकिन A2 उस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करना चाहिए, एबीसी डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप फाइल परमिशंस के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए, इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फाइल परमिशंस का यूज किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल परमिशंस अप्लाई करने के लिए तीन परमिशंस ग्रुप यूज होते हैं। तीन तरह के परमिशंस ग्रुप यूज होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहला है ओनर, सेकंड है ग्रुप और तीसरा है ऑल यूजर्स। ओनर परमिशंस सिर्फ उस फाइल या डायरेक्टरी के ओनर पर अप्लाई होती है, ये किसी भी दूसरे यूजर की परमिशंस को इंपैक्ट नहीं करती है। ग्रुप परमिशंस केवल उस ग्रुप पर अप्लाई होती है जो उस फाइल या डायरेक्टरी को असाइन किया गया है, और यह भी किसी दूसरे यूजर की परमिशंस को इंपैक्ट नहीं करती है। ऑल यूजर परमिशंस ऑल अदर यूजर्स पर अप्लाई होती है। ऑल अदर यूजर्स होते क्या हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है abc.txt, ऐसा मान लेते हैं। उस फाइल का ओनर है यूजर वन, उस फाइल का ग्रुप है माई सॉल्यूशंस, यानी इस फाइल को माई सॉल्यूशंस ग्रुप असाइन किया गया है, ठीक है। तो यूजर वन इस फाइल का ओनर हो गया, ठीक है। तो ओनर की जो भी परमिशंस है वो यूजर वन पर अप्लाई होगी, ठीक है। माई सॉल्यूशंस इस फाइल का ग्रुप हो गया, तो ग्रुप की जो भी परमिशंस होगी वो माय सॉल्यूशंस ग्रुप पर अप्लाई होगी, ठीक है। अब बचे ऑल अदर यूजर्स। ऑल अदर यूजर्स में वे यूजर आते हैं जो न तो उस फाइल के ओनर हैं और न ही उस ग्रुप के मेंबर हैं जो उस फाइल को असाइन किया गया है। जैसे माय सॉल्यूशंस ग्रुप का मेंबर है यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, ठीक है। जो भी परमिशंस आप माय सॉल्यूशंस ग्रुप पर अप्लाई करेंगे वो परमिशंस इन तीनों यूजर पर अप्लाई होगी, ठीक है। यूजर वन उस फाइल का ओनर है, इसलिए यूजर वन पर ओनर परमिशंस अप्लाई होगी, ठीक है। यूजर टू और यूजर थ्री माय सॉल्यूशंस ग्रुप के मेंबर हैं, इसलिए इन पर इस ग्रुप की परमिशंस अप्लाई होगी, ठीक है। अब बचे यूजर फोर, यूजर फाइव और यूजर सिक्स। ये नहीं तो माय सॉल्यूशंस ग्रुप के मेंबर हैं और न ही इस फाइल के ओनर हैं, ठीक है। तो ऑल अदर यूजर्स की जो परमिशंस है वो इन सभी यूजर पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहां पर इस फाइल पर जो परमिशंस है वो है 660। फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ओनर परमिशंस को। सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप परमिशंस को, और थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करता है ऑल अदर यूजर्स परमिशंस को, ठीक है।
तो सिक्स यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रीड एंड राइट। रीड के लिए फोर ऑक्टल वैल्यू होती है और राइट के लिए टू, तो फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो सिक्स का मतलब है रीड और राइट की परमिशन, ठीक है। तो यूजर वन को इस फाइल पर रीड और राइट की परमिशन है, और इस ग्रुप को भी रीड एंड राइट की परमिशन है, यानी कि यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री इस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जीरो, जीरो का मतलब होता है फुल्ली डिनाई, यानी जिस यूजर पे भी जीरो की परमिशन होगी वो यूजर उस फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस फाइल पर ऑल अदर यूजर्स को जीरो परमिशन असाइन की गई है, ठीक है। तो यूजर फोर, यूजर फाइव और यूजर सिक्स इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फुली डिनाई परमिशन अप्लाई की गई है, उन्हें फुली, उन्हें नन परमिशन अप्लाई की गई है, ठीक है। न तो उस फाइल को रीड कर सकते हैं, नहीं राइट कर सकते हैं, नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यूजर फोर, यूजर फाइव, यूजर सिक्स इस फाइल को एक्सेस करने की ट्राई करेंगे, तब एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, परमिशन डिनाइड, यानी आपको उस फाइल पर परमिशन नहीं है। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि ओनर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, फाइल और ऑल अदर यूजर्स क्या होते हैं। उसके बाद बात करते हैं परमिशन टाइप्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन तरह की परमिशंस यूज होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड परमिशंस किसी यूजर को ये अलाउ करती है कि वो उस फाइल या डायरेक्टरी का कंटेंट रीड कर सकता है। राइट परमिशंस किसी यूजर को ये अलाउ करती है कि वो उस किसी डायरेक्टरी या फाइल का कंटेंट मॉडिफाई कर सकता है और राइट कर सकता है। एग्जीक्यूट परमिशंस किसी यूजर को ये अलाउ करती है कि वो उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, व्यू कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं फाइल टाइप्स। तो अगर यहां पर हाइफन डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब वह एक रेगुलर फाइल है, ठीक है। अगर डी डिस्प्ले हो रहा है, जैसे यहां पर डी डिस्प्ले हो रहा है माई सोल्यूशन के लिए, इसका मतलब माई सोल्यूशन एक डायरेक्टरी है और माई सोल्यूशन डॉट टी एक्स टी एक रेगुलर फाइल है। अगर यहां पर एल डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब वो एक सिंबॉलिक लिंक है। उसके बाद बात करते हैं कि फाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस को व्यू कैसे करते हैं। तो किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस को व्यू करने के लिए ls hyphen l कमांड का यूज किया जाता है। इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं, mkdir/etc/mysolutions, और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं उसके अंदर cd, पहले उस डायरेक्टरी मूव करते हैं /etc/mysolutions, और उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mysolutions, ठीक है। और एक फाइल क्रिएट करते हैं ब्लैंक फाइल mysolutions.txt। अब उस डायरेक्टरी कंटेंट चेक करने के लिए कमांड होता है ls-l। ls-l कमांड की सहायता से आप किसी डायरेक्टरी कंटेंट लिस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल्स फॉर्मेट में अगर आपको करना है कि आपको परमिशंस भी चेक करना है, तो ls कमांड के साथ में -l ऑप्शन यूज होता है। नॉर्मली अगर आप ls कमांड यूज करेंगे तो सिर्फ ये इस तरह बताएगा आप इस डायरेक्टरी में कितनी सब डायरेक्टरी और कितनी फाइल्स हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में व्यू करना है तो उसके लिए आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना होगा ls-l। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है डी, इसका मतलब माई सोल्यूशन एक डायरेक्टरी है, और -n इसका मतलब mysolution.txt एक रेगुलर फाइल है, ठीक है। और इन पर कौन कौन से परमिशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, rwx, rx और rx, और फाइल पर परमिशन है rw rr, ठीक है। तो इनको हम समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है।
तो इसके लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम के थ्रू यहां पर मैं समझाना चाहता हूं आपको। जैसे हमने जो अभी चेक किया था परमिशंस, उसमें ये परमिशंस डिस्प्ले हो रही थी DRWX RX RX, ठीक है। उससे पहले हमने यहां पर ये चेक किया था फाइल परमिशंस की, ये फर्स्ट डिजिट ओनर को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड डिजिट ग्रुप परमिशंस को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड डिजिट ऑल अदर यूजर्स की परमिशंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक उसी तरह फर्स्ट RWX, ये जो फर्स्ट थ्री लेटर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनर परमिशंस को। फिर उसके बाद RX, ठीक है। तो RX का मतलब है रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। RWX का मतलब था रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, यानी फुल परमिशंस, ठीक है। RX का मतलब होता है रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये जो सेकंड परमिशंस है, ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुप परमिशंस को, और थर्ड रिप्रेजेंट करती है ऑल अदर यूजर्स को, ऑल अदर यूजर्स परमिशंस को रिप्रेजेंट करती है ये थर्ड डिजिट। उसके बाद यहां पे कुछ इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले हो रही, ये रिप्रेजेंट करती है उस फाइल की हार्ड लिंक को, यानी उस फाइल की कितनी हार्ड लिंक अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद रूट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूट लिखा हुआ आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है यूजर की ओनरशिप को, यानी इस फाइल का ओनर कौन है, इस डायरेक्टरी का ओनर कौन है, ठीक है। और सेकंड जो रूट लिखा हुआ रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है यहां पर, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ओनरशिप को, यानी इस डायरेक्टरी या फाइल का ग्रुप कौन है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं फाइल का ओनर, और ग्रुप ओनर भी आप चेंज कर सकते हैं यहां पर। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, फर्स्ट RWX रिप्रेजेंट करता है ओनर परमिशंस को, सेकंड RWX रिप्रेजेंट करता है ग्रुप परमिशंस को, जो भी परमिशन आप अप्लाई करोगे वो यहां पर डिस्प्ले होगी। तो अभी इसको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसलिए यहां पर डिस्प्ले हो रहा है RX। फुल परमिशन दोगे, असाइन करोगे, तो यहां पर डिस्प्ले होगा RWX, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ग्रुप परमिशंस को, थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ऑल अदर यूजर्स परमिशंस को, उसके बाद ये हार्ड लिंक को रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी हार्ड लिंक उसकी अवेलेबल है उस फाइल और डायरेक्टरी की। उसके बाद फर्स्ट जो रूट लिखा हुआ रहा है, रूट डिस्प्ले हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है यूजर ओनरशिप को, यानी उस डायरेक्टरी या फाइल का ओनर कौन है, यूजर ओनर कौन है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो रूट डिस्प्ले हो रहा है यहां पर, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस डायरेक्टरी या फाइल का ग्रुप कौन है, यानी उस डायरेक्टरी या फाइल को कौन सा ग्रुप असाइन किया गया है। उसके बाद ये डेट डिस्प्ले हो रही है, किस डेट को ये क्रिएट की गई थी डायरेक्टरी, और उसके बाद ये टाइम था, और उसके बाद ये साइज और ये नेम, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशंस को आप व्यू कर सकते हैं ls-l कमांड की सहायता से। उसके बाद फाइल परमिशंस, एवरी फाइल इज ओन बाय ए यूआईडी एंड जीआईडी, हर एक फाइल एक यूआईडी और जीआईडी से ओन की जाती है। फिर उसके बाद परमिशंस प्रेसिडेंस क्या होता है, यानी परमिशंस का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। इफ यूआईडी मैच ओनर परमिशन विल अप्लाई, अगर यूआईडी मैच होती है तो ओनर की परमिशंस अप्लाई होगी, ठीक है। यानी किसी फाइल पर, जैसे फाइल है mysolution.txt, इस पर जो यूजर है उसका जो रूट ओनर, उसका जो फाइल ओनर है वो है रूट, ठीक है। और इसकी जो यूआईडी होगी, अगर वो मैच होती है, जो भी यूजर से एक्सेस कर रहा है उस यूजर की यूआईडी से मैच होती है, फॉर एग्जांपल रूट इसे एक्सेस कर रहा है, तो रूट यूजर की इसकी यूआईडी मैच होगी। तो अगर यूआईडी मैच होती है तो उस यूजर को कौन सी परमिशन असाइन होगी, ओनर परमिशंस, ठीक है। अगर यूआईडी मैच होगी तो ओनर परमिशंस अप्लाई होगी, अगर जीआईडी मैच होगी तो ग्रुप परमिशंस अप्लाई होगी, अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो अदर परमिशन विल अप्लाई, यानी ऑल अदर यूजर्स की परमिशन कब अप्लाई होगी, जब यूआईडी और जीआईडी मैच नहीं होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूआईडी मैच होता है किसी यूजर का तो ओनर परमिशन अप्लाई होगी, अगर जीआईडी मैच होता है यानी ग्रुप आईडी मैच होता है तो ग्रुप परमिशन अप्लाई होगी, अगर नहीं तो ग्रुप यूआईडी मैच होता है और नहीं जीआईडी मैच होता है तो ऑल अदर यूजर्स की परमिशन अप्लाई होगी, ये परमिशन का ऑर्डर है। उसके बाद है मॉडिफाइंग द परमिशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि परमिशन को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।